नमस्कार, मैं हूं नवेद जाफरी। स्वागत है आपका एमपी तक पर। बुधनी उपचुनाव को लेकर चुनाव का ऐलान हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है, यहां पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कितना विकास हुआ और चुनावी क्या माहौल चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे एमपी तक की चुनावी चौपाल में। क्या नाम है आपका? शरीफ खान। तो क्या माहौल लग रहा है अभी चुनाव में, फिर से बुधनी उपचुनाव हो रहा है? बुधनी उपचुनाव में यहाँ पे माहौल लग रहा है बीजेपी का। कितना विकास हुआ, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पर माननीय शिवराज सिंह चौहान थे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, मावा जी, उन्होंने बुधनी विधानसभा में इतना विकास किया कि कभी नहीं हो सकता। अब कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी ने भी, दोनों ही अलग रमाकांत भार्गव जी को प्रत्याशी बनाया, तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल ये लग रहा है कि रमाकांत भार्गव जी है, उनको तो देख के जनता वोट नहीं देगी, लेकिन मामा को देख के देगी। और ये जो योजनाएं चली हैं और विकास की जो बात हुई है, विकास तो लगता है आपको कितना विकास हुआ गांव में आपके यहाँ पर? जले जगह जगह नर्मदा जल योजना चालू करी मामा जी ने। आज गरीबों के घर घर जाके जंगलों में पानी मिल रहा है, नर्मदा जल का पीने को मिल रहा है। गांव गांव में सड़कें हैं, हर सारी सुविधाएं करी। लाडली बहना योजना चालू करी, बहनों को पैसा मिल रहा है जिससे अपना घर चला रही हैं गरीब महिलाएं। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, मतलब है चुनावी रफ्तार पकड़ ली? चुनाव माहौल तो अब धीरे धीरे चालू होगा। अभी दो चार एक दिन ही हुए हैं अभी हाल घोषणा करे हुए, तो अब धीरे धीरे आगे माहौल चालू होगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा सुभाष कुमार प्रजापति। तो क्या माहौल चल रहा है चुनाव में, मतलब माहौल क्या है? अभी रफ्तार पकड़ने वाला है और कुछ ही समय में, मतलब थोड़ा सा रिजल्ट तो अभी इतने करीब नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी है, अभी नया चेहरा है, थोड़ा सा चेहरा जो है नया है, अब इसको जनता पहचाने की, इसके बाद में थोड़ा सा क्या है कि वो आगे विकास से कुछ करेगी, तो इसके बाद में ही मतलब सब कुछ इसका पता रिजल्ट चलेगा सही साथ। माहौल तो सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है माहौल में, बीजेपी की तरफ भी सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, रफ्तार पकड़ेगी इस बार जो है, प्रत्याशी चेंज किया, पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, आपको केंद्रीय मंत्री बनाने की इच्छा, रमाकांत जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम बीजेपी से सहमत है और बीजेपी की तरफ रहेंगे। किस तरह का चल रहा है, क्या है कि बीजेपी की पहले से सरकार का इलाका रहा है यहाँ पर? हाँ, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है शिवराज सिंह चौहान जी की जो है उनके नेतृत्व में, अभी तक कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। और क्या नाम है आपका? रफीक खान। तो चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है सर, बिल्कुल मामा जी को देख के जनता चल रही है, अच्छा पसकिला चल रहा है, मतलब अच्छी रफ्तार है उनकी, रफ्तार पर आ रही है, पसकिला चल रहा है। विकास की जो बात की जा रही है, विकास तो राज्य का इलाका रहा है, विकास तो अच्छा किया था उन्होंने, योजनाओं का लाभ, योजना भी सब घरे घर झुग्गी भी मिल गई है सर, और सड़कें भी बन चुकी है, खेते खेत रास्ते भी बन चुका है। अभी रफ्तार चुनाव पकड़ी नहीं, पकड़ी अभी नहीं पकड़े सर, मतलब धीरे धीरे मतलब चल रहा है इसका। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। दादा, क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है अभी? चुनाव का रफ्तार पकड़ी है चुनाव में? चुनाव का तो बढ़िया माहौल है सर। क्या तो हमारे मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे इधर भी, हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी चेंज हो गया है, रमाकांत जी भार्गव जो पूर्व सांसद थे उनको टिकट मिला है। अच्छा, तो साहब हम तो मामा जी के साथ है, हम क्या कर सके, क्या हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, क्या मामा जी है जब तक वह हमारे लिए वो ही खुश है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम ध्यान सिंह है दादा। क्या करते हैं? काश्तकारी करते हैं, खेती किसानी, किसान हैं आप? हाँ। तो चुनाव में किस तरह माहौल लग रहा है, अब दोनों ही प्रत्याशी घोषित हो गए, कांग्रेस से भी बीजेपी से भी, रफ्तार चुनाव ने पकड़ी नहीं पकड़ी अभी? बढ़िया चल रहा, मामा जी के चल दिया हमारे साहब भी कर रहा है, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा नहीं साहब, बिल्कुल एक नंबर पड़ेगा। तो नुकसान हो सकता है क्या बीजेपी को इसका, जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अतिवर्षा से फसलें खराब हो गई है? नहीं 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 करेगा, तो कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदे होगा, फायदा फर्क तो पड़ेगा ना? फर्क बिल्कुल एक नंबर पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है यहाँ पर बात करने के लिए खड़े है, ये युवा है, क्या नाम है आपका? ये क्या नाम है? बहादुर। और चुनाव को लेकर क्या चल रहा है अभी? चुनाव के बाद अभी तारीख घोषित हुई है, अब चुनाव प्रचार चल रहा है, बढ़िया माहौल है। सरकार जो वादों को लेकर सत्ता में आई थी, तो विकास हुआ यहाँ पर? आपने विकास हुआ है ना, अच्छा विकास हुआ, झुग्गी मिल गए, रोड बन गए, सारा अच्छा काम हुआ, बीजेपी ने अच्छा काम करवाया। अभी चुनाव का क्या है, रफ्तार पकड़ी है, क्या हो रहा है? हाँ, रफ्तार पकड़ रही है, चल रहा है प्रचार, अभी ठंडा माहौल है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है अभी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, आप बताएं क्या नाम, क्या चुनाव को लेकर क्या चल रहा
चुनाव को लेके चल रहा है सर, अभी दो दिन हुए हैं, अब धीरे धीरे रफ्तार पे है चुनाव। आज पता चला है मोबाइल के द्वारा समाचार में कि राजकुमार जी पटेल सलकलपुर में पूजा करने के बाद और चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़े हैं, ये पता चला है अभी। और धीरे धीरे आगे सब चुनाव प्रचार होगा, वोटिंग भी होगी। और राजकुमार जी पटेल अच्छे व्यक्ति भी हैं और उनको जनता वोट देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी। लेकिन क्या बीजेपी के पक्ष में मामा को देख के ज़्यादा वोट देंगे, क्योंकि मामा ने ज़्यादा विकास किया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संदीप ठाकुर। तो बुधनी चुनाव में उपचुनाव होने जा रहा है एक बार फिर, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छी परिस्थिति है दोनों पार्टियों की, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार अपने राजकुमार सिंह जी पटेल साहब को खड़ा करा है, और अपने बीजेपी ने अपने रमाकांत सिंह भार्गव जी को खड़ा करा है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी बहुत बढ़िया हैं, बाकी देखते हैं अब लोगों के दिल में क्या माहौल बनाते हैं, क्या करते हैं, अपनी अपनी वो पारदर्शिता रखते हैं, कौन किसको समर्थन करता है, ये अब जनता के ऊपर है। क्या करते हैं आप? क्या? मैं स्टैंड कंडक्टरी करता हूँ भैया। तो क्या माहौल मतलब और क्या लग रहा है? अब जो इससे पहले शिवराज जी थे, अब टिकट कट के बीजेपी को मिल गया है, रमाकांत जी को दिया है बीजेपी ने, तो क्या बढ़िया है। शिवराज सिंह जी को अब ऊपर अपने मंत्री जी का पद दे दिया, कृषि मंत्री का पद दे चुके हैं वहाँ पे, तो अब रमाकांत जी भार्गव जी आए, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं जनता के लिए, या फिर राजकुमार जी पटेल साहब भी आ सकते हैं, वो भी जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर गई है, अर्जुन आर्य भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित, तो ऐसा नहीं यहाँ पे त्रिकर्णी मुकाबला हो रहा है? नहीं, ऐसा त्रिकर्णी मुकाबला तो मुश्किल लगता है यहाँ पे इस समय, तुम्हें पता है बीजेपी चल रही है यहाँ पे, बीजेपी का माहौल है, फिर भी ठीक रहा है। राजकुमार सिंह पटेल है, बढ़िया व्यक्ति है, तो लोगों का समर्थन हो सकता है कि कांग्रेस तरफ भी रह सकता है। त्रिकोणी मुकाबला नहीं? हाँ, त्रिकोणी मुकाबला नहीं हो पा। क्या नाम है आप? एक युवा है। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। तो चुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ पर? जैसे भैया ने बताया वैसे उस हिसाब में अच्छा चल रहा है, बस इतना ही। दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में जुड़ गई हैं? हाँ, दोनों एक साथ चल रही हैं और अच्छे से हो रहा है, जो चल रहा है वो एक नंबर चल रहा है, बहुत अच्छे से काम। चुनाव में अभी नामांकन दाखिल नहीं हुए, दोनों पार्टियों का प्रचार शुरू हुआ है, तो रफ्तार यहाँ पर क्या लग रहा है? वो नहीं, अभी उसका हमको भी नहीं पता, उसका हम भी नहीं बता सकते। क्या नाम है भैया आपका? संतोष मीणा। तो बुधनी उपचुनाव को लेकर क्या कहना है, अब कितना माहौल है यहाँ पर, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है, और इस बार टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए हैं वो जनता में उतना मूवमेंट नहीं है, उनका जनता में उतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि जब भी आते हैं वो शिवराज जी के साथ आते हैं, शिवराज जी के मंच पे बैठते हैं, बस अलग से कोई पकड़ नहीं है उनकी। और कांग्रेस का क्या लग रहा है? राजकुमार जी पटेल पुराने प्रत्याशी है, यहाँ से पहले भी दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उम्मीद है टक्कर तो वो बराबर देंगे इस बार बीजेपी को। हालांकि बुधनी विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, त्रिकोणी मुकाबला तो नहीं हो सकता इस बार? नहीं, त्रिकोणी मुकाबला तो नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट रहेगी। अब शिवराज जी का टिकट काटा है, वो सांसद बन गए, तो वो अब रमाकांत जी को टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है और आपको? रमाकांत जी को टिकट दिया है, पर यहाँ पर जो लोकल बीजेपी के जिनको हाँ जिनको टिकट की लालसा थी, कहीं ना कहीं वो अंदर भीतर घात बीजेपी के लिए खतरा है, और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, हालांकि बाहर नहीं दिखेगा, अंडरग्राउंड हो सकता है कुछ हो जाए, ऐसा है। तो प्रचार प्रसार को लेकर क्या लग रहा है? और अभी तो माहौल बिल्कुल ठंडा है, अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, पर जनता का मूड अब वो जनता ही है, जनता जनार्दन जहां मोहर लगा दे वो। दादा क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकुर। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि इधर क्या है? अभी दोनों का पल्ला भारी रहेगा। क्या करते हैं आप? खेती। तो किसानों को जो राशि मिलना चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली? अभी तो नहीं मिली। उसका कुछ नुकसान जो है, कई किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो उसका कुछ बीजेपी को नुकसान होगा नहीं होगा? नुकसान तो होगा। अभी माहौल में क्या दिख रहा है?
अभी माहौल तो ठीक है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। नवेद जाफरी, एमपी तक, बुधनी।